हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल पी सी एम बी डिजिटल ग्रुकल बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं यानी कि वर्कशीट नंबर जो मेरी पाँच है तो देखो वन डे इन क्लास टीचर आज स्टूडेंट्स टू मेक ए लिस्ट ऑफ़ फूड आइटम्स जो उनको खाना पसंद है तो रानी ने लिख दिया इडली डोसा छोले है ना इडली दिख रहा है छोले दिख रहा है चीज़ सैंडविच चॉकलेट टीचर ने उनकी लिस्ट देखा और चीज स्वैंड सेट इट सीम्स यू लाइक ऑल द प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा लगता है कि तुम्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम से बने सभी प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो रानी ने पूछा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं मैम तो उन्होंने कहा ये बहुत टाइनी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर सो स्मॉल दैट वी नीड ए माइक्रोस्कोप टू सी देम दैट्स फॉर दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टीचर रिप्लाई रानी स्टिल हैड डाउट इन हर माइंड सी अगेन आज क्या सभी फूड प्रोडक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बनते हैं और कैसे एक ही माइक्रो माइक्रोर्गेनिज्म होता है तो टीचर ने स्माइल के कहा नहीं ऐसा नहीं होता तो बैक्टीरिया फंगई प्रोटोजोआ अलग चार टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं बट दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम से ये डिफर करते हैं वाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इसलिए इनको कहते हैं और ये टाइप हो गए तो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर सेकेंड क्वेश्चन किया गया राइट एनी टू एग्जांपल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स दैट आर अपटेन विद द हेल्प ऑफ दिस तो आप इडली लिख सकते हो और डोसा लिख सकते हो या छोले भटूरे लिख सकते हो है ना ये सेकेंड का एग्जाम्पल हो गया फाइंड आउट द सर्कल द वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वर्ड ग्रिड तो भाई देखो फंगई हो गया है ना बैक्टीरिया हो गया एल्गी हो गया तो इस तरीके से आपको जो है ये इसमें फाइंड आउट करना था फंगई बैक्टीरिया एलगी और कौन सा दिया हुआ है आपके लिए प्रोटोज़ोआ येरा प्रोटोजोआ ये है ना वायरस तो ये आपके हो गए राइट द नीमर फूड दैट यू लाइक द मोस्ट इंड मेक यू फील हैप्पी तो आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं जैसा मेरा फेवरेट क्या है कर्ड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग एस